Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic. So the name of topic is synthesis of pyrrole. क्या चीज? Pyrrole का synthesis. तो हम एक क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं synthesis को लेकर के. वहां पे जो हम synthesis का methods देखे थे वो देखे थे from acetylene. Acetylene के help से हम लोग क्या किए थे? Pyrroles बनाए थे. अब यहाँ पे जो हम synthesis करने वाले हैं वो करने वाले हैं by Paul Mohr synthesis. क्या चीज? By Paul Mohr synthesis. तो पॉल मोर सिंथेसिस हम लोग क्या करेंगे? पाइरोल्स बनाएंगे. आपको बता दें कि पाइरोल्स नहीं बनता है यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ पाइरोल्स बनता है. तो हर एक रिएक्शंस की तरह यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे स्टेटमेंट का, फिर इसका रिएक्शंस और मैकेनिज्म. स्टेटमेंट क्या है एक बार पढ़ लीजिए. व्हेन टू फायर डाइकेटोन्स रिएक्ट्स विद एमोनिया टू फॉर्म्स द डेरिवेटिव्स ऑफ पाइरोल. आपको क्या करना है? टू फाइव डाइकेटोन्स लेना है, उसका रिएक्शंस कराना है एमोनिया के साथ, दैट इज की NH3 के साथ. तो जाकर के आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? डेरिवेटिव्स ऑफ पाइरोल्स मिलेगा. पाइरोल्स नहीं मिलने वाला, डेरिवेटिव्स ऑफ पाइरोल्स मिलेगा. तो आइए इसका रिएक्शंस लिखते हैं. हम लेते हैं फोर्टीन टू फाइव डाइकेटोन. नहीं तो CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3. आपको बता दें कि यहां पे जो आपका स्ट्रक्चर है ये इसका नाम है आपका 2,5 हेक्साडायोन. क्या नाम है? 2,5 हेक्साडायोन. और पॉल मोर सिंथेसिस में जो आपका लिया गया था 2,5 डाइकेटोन्स, ये यही लिया गया था 2,5 हेक्साडायोन ही लिया गया था. इसी के चलते हम इसी कीटोन्स को 2,5 डाइकेटोन्स को लेंगे. ठीक है, अगर हम यहाँ पे दूसरा लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, रिएक्शन सेम होगा बट जो पॉल मोर सिंथेसिस मीन्स जो ये साइंटिस्ट थे वो जो अपने सिंथेसिस के लिए थे पाइरोल्स के सिंथेसिस के लिए वो यही लिए थे क्या 2,5 डाइकेटोन्स. कौन सा? 2,5 हेक्साडायोन. तो हम क्या किए? 2,5 हेक्साडायोन्स लिए हैं. इसका रिएक्शन कराना है हमको दैट इज की एमोनिया के साथ, NH3 के साथ. ये क्या है आपका? एमोनिया है. तो जाकर के आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? डेरिवेटिव्स ऑफ पाइरोल. पाइरोल नहीं, डेरिवेटिव्स ऑफ पाइरोल. तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा. आप देखिए यहां पे ध्यान से, आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा. यहां पे लोन पेयर, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे CH3, यहां पे CH3. ये क्या है आपका? डेरिवेटिव्स ऑफ पाइरोल है और इसका नाम है 2,5 डाइमिथाइल पाइरोल. क्या नाम है? 2,5 डाइमिथाइल पाइरोल. 2,5 डाइमिथाइल पाइरोल. तो आप रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन में कुछ नहीं है, आपको लेना है 2,5 हेक्साडायोन कीटोन, मतलब 2,5 हेक्साडायोन दैट इज 2,5 डाइकीटोन और इसका रिएक्शन कराना है एमोनिया के साथ. तो जाकर के आपको मिलेगा डेरिवेटिव्स ऑफ पाइरोल दैट इज 2,5 डाइमिथाइल पाइरोल. अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म का. किसका? इसका मैकेनिज्म का बात करते हैं. मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म इसका बड़ा ही इजी है, कुछ नहीं करना है. आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये है आपका 2,5 हेक्साडायोन. क्या है? 2,5 हेक्साडायोन है. यहां पे है आपका एमोनिया. एमोनिया के साथ आप इसका क्या कर रहे हो? रिएक्शन करा रहे हो. एन के पास क्या होता है? लोन पेयर. एन के पास लोन पेयर है, ये कहां पे जाके अटैक करेगा? डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर के पास. अब यहां पे कार्बन यहां पे भी है, यहां पे भी है, दोनों जगह जाके अटैक कर सकता है. कहीं भी कराइए कोई फर्क नहीं है, दोनों आइडेंटिकल पोजीशंस आपको दिख रहा होगा. क्योंकि इसके इधर भी CH2, इसके इधर भी CH3, इसके नीचे भी डबल बॉन्ड हो, सेम काम यहां पे. चलिए आप एक जगह कहीं अटैक कराते हैं. जैसे अटैक किया होगा क्या कि ये बॉन्ड जो है इधर ब्रेक हो जाएगा. क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि पहले से चार बॉन्ड था, पांचवा बॉन्ड बन रहा है. जैसे ही यहां पे पांचवा बॉन्ड बन रहा है वैसे ही क्या करेगा? ये बॉन्ड ब्रेक करेगा. और यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होकर के नाइट्रोजन के पास चला जाएगा. मीन्स यहाँ से जो एच निकलेगा वो ऑक्सीजन के पास जाकर के जुड़ जाएगा. क्योंकि तो ऑक्सीजन के पास क्या आ गया यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज. और यहाँ से एच प्लस निकलेगा. एच प्लस कहाँ जाएगा? इस ओ के नेगेटिव चार्ज के पास जाकर के OH बॉन्ड बना लेगा. सो यहां से क्या बनेगा? सो देखिए यहां से बनेगा आपका CH2 सी, यहाँ पे CH3, यहाँ ओ है क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और इस ओ के साथ ये वाला एच जाकर के लग गया. और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है आपका बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आपका अब दो ही बचा क्योंकि एक हाइड्रोजन कहाँ चला गया? ऑक्सीजन के पास. और यहाँ पे क्या? CH3 डबल बॉन्ड O. अब हम क्या करने वाले हैं? सो देखिए इस CH2 को, एक हाइड्रोजन को हम कुछ ऐसे दिखा रहे हैं. इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को इधर शिफ्ट कराइए, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ से OH क्या होगा? बाहर निकल जाएगा. मीन्स यहां से OH और यहां से H क्या निकला? वाटर आपका बाहर निकल गया. H2O आपका यहां से बाहर निकल गया. तो आपका जो बनेगा क्या बनेगा? CH
CH2, यहां पे डबल बॉन्ड C, यहां CH3, OH बाहर निकल गया, इन यहां लोन पेयर दो तो हाइड्रोजन है और साथ ही साथ यहां पे जैसे था पहले से वैसे आप लगा दीजिए। अब यहां पे फिर से लोन पेयर है, ये लोन पेयर अब कहां पे अटैक करेगा, जहां डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, यहां पे अटैक किया, जैसे ही अटैक किया ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और ये जैसे ही बॉन्ड इधर ब्रेक होगा फिर ये बॉन्ड जो है इधर नाइट्रोजन के पास अटैक करेगा, यहां से H+ जो है निकलेगा और H+ जाकर के इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि O के पास माइनस है। सेम काम हम वही किया है जैसे यहां पे हम किए हैं, ठीक, क्या किए, ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया, जैसे सॉरी ये बॉन्ड ये लोन पे अटैक किया, यहां पे कार्बन पे अटैक किया, जैसे ही कार्बन पे अटैक किया ये बॉन्ड ब्रेक होकर के नाइट्रोजन के पास जाएगा और ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, यहां से हाइड्रोजन का H+ जाकर के इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। सो फर्दर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में होगा CH, CH2 को हम ऐसे दिखा रहे हैं क्योंकि यहां से फिर से हमको OH को क्लीवेज करना है, वाटर निकल रहा है यहां से और यहां CH3 इन, यहां पे बचा आपका एक ही हाइड्रोजन, यहां पे लोन पेयर और यहां पे CH3 और यहां पे O और क्या H, ठीक है, और ये नाइट्रोजन के साथ ये कार्बन का बॉन्ड बन गया है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये OH यहां से बाहर निकलेगा, तो यहां से क्या निकलेगा H2O बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा H2O बाहर निकलेगा, आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, H2O जैसे ही बाहर निकलेगा तो आपको मिलेगा 2,5-dimethylpyrrole, आप देख सकते हो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा CH CH, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे भी डबल बॉन्ड, यहां C CH3, यहां पे भी C CH3 और यहां पे आपको मिलेगा N लोन पेयर और यहां पे हाइड्रोजन। So, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को आप कंपेरिजन करके देख लो, इससे 2,5-dimethylpyrrole से सेम स्ट्रक्चर है, तो हमको यही मिलने वाला था 2,5-dimethyl का क्या 2,5-dimethyl प्रोडक्ट मिलने वाला था, मींस पायरोल का क्या डेरिवेटिव्स, ये पायरोल नहीं है, पायरोल का क्या है डेरिवेटिव्स है। तो उम्मीद है कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। अब हम आपको ट्विस्टिंग चीज एक चीज बता दें कि यहाँ पे देखिए आप 2,5-hexadienol लिए, इसका एमोनिया के साथ रिएक्शन कराए तो आपका बना 2,5-dimethylpyrrole, ये जो हम आपका क्या किए हैं सिंथेसिस किए हैं 2,5-dimethylpyrrole का, मींस पायरोल का डेरिवेटिव्स का, वो किए हैं इन साइंटिस्ट के कैसे हेल्प से, क्योंकि ये साइंटिस्ट जो है वो यही CH3 यहां पे लगा करके ये रिएक्शंस किए थे, मींस सिंथेसिस किए थे किसका, पायरोल्स के डेरिवेटिव्स का। लेकिन हम यहां पे ट्विस्ट लाने के लिए एक दो काम और कर सकते हैं, ऐसा कर क्या सकते हैं कि यहां पे मान लो, या पहले इसको आप थोड़ा सा लिख लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद हम बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए क्या करते हैं कि यहां पे जो है हम लगा देते हैं H, क्या लगा देते हैं H लगा देते हैं। अब बताइए कि यहां पे अगर हम H लगा देंगे तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा कि नहीं करेगा, हाँ करेगा, करेगा तो क्या यही प्रोडक्ट बनाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे आपका पहले पायरोल्स का डेरिवेटिव्स बन रहा था, अब जो है आपका क्या बनेगा पायरोल बनेगा, मींस ये जो है आपका हट जाएगा CH3 दोनों साइड से हट जाएगा, अब क्या बनेगा पायरोल्स बनेगा, पहले क्या बना था पायरोल्स का डेरिवेटिव्स बन रहा था, दैट इज 2,5-dimethylpyrrole, तो 2,5-dimethylpyrrole नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा पायरोल बनेगा। आपको हम बता रहे जानकारी के लिए कि यहां पे जो मैकेनिज्म होगा वो सेम मैकेनिज्म होगा पिछले मैकेनिज्म की तरह, लेकिन यहां पे हम H लेके क्यों नहीं काम किए थे, H लेके इसलिए काम नहीं किए थे कि जो पॉल लॉ सिंथेसिस जो हुआ था, मींस ये जो साइंटिस्ट थे वो अपने जो अपने जब सिंथेसिस कर रहे थे तो उस टाइम जो है यहां पे दोनों साइड CH3 लगा के किए थे, ठीक है, दैट इज 2,5-hexadiketone या hexadiol बोल सकते हो, वो रख के किए थे, तो इसीलिए नहीं किए थे। तो आपसे क्वेश्चंस अगर पूछ लिया कि आपको बनाना है पायरोल्स बाय पॉल नोर सिंथेसिस तो आप नहीं बता पाओगे, बता दोगे ना, क्योंकि पायरोल्स का डेरिवेटिव्स बनता है उससे 2,5-hexadiol से, लेकिन अगर आपको पायरोल्स बनाना है पॉल नोर सिंथेसिस से तो आपको क्या लेना होगा सक्सेना एल्डिहाइड लेना होगा, इसका नाम क्या है सक्सेना एल्डिहाइड, यहाँ पे एच लगा लिए तो ये क्या हो गया एल्डिहाइड हो गया, तो सक्सेना एल्डिहाइड से पायरोल कैसे बनाएंगे समझ आ गया, सेम काम मैकेनिज्म में वही करेंगे, जहां जहां CH3 है वहां वहां एच लगा देना है बस। तो पूछ सकता है कि सिंथेसिस ऑफ पायरोल फ्रॉम सक्सेना एल्डिहाइड, तो आपको बताना होगा ये क्या है आपका सक्सेना एल्डिहाइड है, सक्सेना एल्डिहाइड है, ठीक है, और ये क्या है आपका पायरोल है, यहां पे डेरिवेटिव्स नहीं मिल रहा है पायरोल ही मिल जा रहा है, तो इसका मैकेनिज्म में कुछ नहीं, सब कुछ वही करेंगे, जहां जहां CH3 आपका लगा हुआ है वहां वहां आपको H लगा देना है, क्योंकि सब कुछ आपका वही है, बस CH3 की जगह पे क्या करना है H लगा देना है। आप जो है इस काम को अलग से करोगे,
मेरे पास सुविधा है इसलिए हम कर रहे हैं, आपको इसको काट काट के नहीं लिखना है, ठीक है, आपको अलग से काम करना है। डायरेक्ट अगर पॉल मोर का सिंथेसिस पूछेगा तो जैसे पिछला वाला था वही काम करना है कि उससे डेरिवेटिव्स बनता है पैरोल का। लेकिन एग्जामिनर सोलह ट्विस्टिंग क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे पूछ सकता है कि पैरोल्स बनाना है आपको, डायरेक्ट पैरोल्स का डेरिवेटिव नहीं बनाना है, किससे, बाय पॉल मोर सिंथेसिस से, तब आपको सक्सेना अल्डिहाइड लेना होगा, एमोनिया के साथ रिएक्शन कराना होगा, जाकर के बनेगा पैरोल। और यहाँ पे स्टेटमेंट में भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा कि सक्सेना अल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एमोनिया टू फॉर्म्स पैरोल, नॉट द डेरिवेटिव्स ऑफ पैरोल, क्या, पैरोल। तो उम्मीद है कि ये सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रिपरेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।